नमस्कार। फिल्मी सितारों को दर्शकों का जितना प्यार मिलता है उतना ही उनके ऊपर जिम्मेदारी खड़ी हो जाती है। हाल ही में जब अक्षय कुमार ने पान मसाला के एड से हाथ मिलाया तो उनके चाहने वालों को काफी बड़ा झटका लगा। सोशल मीडिया पर एक्टर को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। वहीं अपने फैंस को निराश होता देख उन्होंने सबसे माफी मांगी थी। अपने इस कदम के लिए अक्षय ने माफी तो मांग ली, साथ ही साथ फैंस से ये वादा भी कर लिया कि वो कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे जिससे उनके फैंस को परेशानी हो। वहीं इसी बीच साउथ के सुपरस्टार यश ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके बाद लोगों का कहना है कि साउथ का ये एक्टर न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड स्टार्स को तमाचे जड़ रहा है बल्कि दूसरे मामलों में भी बॉलीवुड साउथ के आगे मात खा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केजीएफ स्टार यश यानी कि रॉकी भाई ने पान मसाला के एड का ऑफर ठुकरा दिया है। साउथ स्टार ने करोड़ों की डील को ठोकर मारकर अपने चाहने वालों को फिर एक बार उन पर गर्व करने का मौका दे दिया है। शायद यश ने अक्षय कुमार की गलती से बड़ी सीख ले ली और वो समझ गए कि फैंस उन पर काफी भरोसा करते हैं जिसे उन्हें कभी नहीं तोड़ना है। यश ने पान मसाला और इलायची ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए साफ साफ इनकार कर दिया और इस बात की पुष्टि यश की टीम ने की है। रॉकी भाई के इस जेस्चर ने उनके चाहने वालों का दिल खुश कर दिया है। बीते काफी दिनों से सोशल मीडिया और बड़े पर्दे पर सिर्फ और सिर्फ रॉकी भाई के ही चर्चे हैं। ऐसे में इस खबर ने रॉकी भाई की पॉपुलैरिटी को दोगुना कर दिया है और चाहने वालों को जश्न मनाने का एक और मौका दे दिया है। साउथ से केवल यश ही नहीं बल्कि पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन ने भी अपने फैंस के खातिर पान मसाला के करोड़ों की डील का ऑफर ठुकराया था। कई बार स्टार्स को फैंस का भरोसा बनाए रखने के लिए करोड़ों के ऑफर को ठुकराना पड़ जाता है लेकिन साउथ स्टार्स ये बात हमेशा से जानते हैं कि ऑडियंस ही है जो स्टार को स्टार बनाए रखती है। ऐसे में लोगों के प्यार के आगे ये छोटे ऑफर को ठुकराने का गम इन स्टार्स को ज्यादा नहीं खलता। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड पैसों के खातिर इस तरह के एड करने से गुरेज नहीं करता। अब शाहरुख और अजय को ही देख लीजिए, भले ही अक्षय ने इस एड के लिए माफी मांग ली हो और आगे कभी ऐसी गलती ना दोहराने की बात कही हो लेकिन शाहरुख और अजय अभी भी ये एड कर रहे हैं जिसकी वजह से बॉलीवुड की खूब आलोचना हो रही है। वहीं अल्लू अर्जुन के बाद जिस तरह से यश ने भी इस एड को ठुकरा दिया उसके बाद से ही साउथ स्टार्स की तारीफें हो रही हैं और बॉलीवुड एक बार फिर से ट्रोल हो रहा है। लोगों का कहना है कि यश के एक फैसले ने पैसों के लिए कुछ भी करने वाले बॉलीवुड के मुंह पर फिर से तमाचा जड़ दिया है। बात करें यश की केजीएफ 2 की तो ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और अभी भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।